कम्युनिटी स्ट्रक्चर फस्ट द कॉन्टेंट्स कम्युनिटी स्ट्रक्चर डामिनेंट स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज टेम्पोरल स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर एंड द कम्युनिटी डाइवर्सिटी सो फर्स्ट था कम्युनिटी स्ट्रक्चर स्टोर अगर हम कम्युनिटी स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले वी शूड अंडरस्टैंड द कम्युनिटी तो कम्युनिटी क्या है इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन एट द स्पेसिफिक एरिया कि स्पेसिफ़िक एरिया के ऊपर जब डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी होती हैं तो ये क्या हमारे पास एक है? या वो कम्युनिटी जो है उसको इसको ओवरऑल हम क्या कहेंगे कम्युनिटी सो अगर कम्युनिटी को हम देखें तो ये सिंपली जस्ट एग्रीगेशन या मिक्सचर नहीं है पॉपुलेशन का बल्कि ये बेसिकली बायदा एक ऑर्गेनाइज जो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा जो है वो ऑर्डर्ड वे में एनिमल्स जो होते हैं उनका आपस में एक इंटरेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी जब बनेंगी तो ये एक रैंडम मिक्सिंग नहीं है बल्कि ये बाकायदा एक वेल ऑर्डर्ड वेल मैनर्ड क्या है कि इंट्रैक्शन है एनिमल्स के अंदर जिसमें जो हो क्योंकि कम्यूनिटी के अंदर बोस्ट पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन को इफेक्ट करती हैं इस वजह से क्या होगा कि बाकायदा कि जिसमें एक ऑर्डर ऑर्गनाइज वे में जो हो इंटरेक्शन जो इसमें बनेगा सो कम्यूनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीशीज पॉपुलेशन मौजूद हैं सम स्पीशीज आर सम पॉपुलेशन दे आर हैविंग मोर इम्पोर्टेंस दैन द अदर वन तो कुछ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कुछ की इम्पॉर्टेंस कम है से उनके डिफरेंट जो है वो हम कैटेगराइज भी करते हैं जैसे डोमिनेट स्पीशीज़ सो डामट स्पीशीज़ वो स्पीशीज जो किसी भी कम्युनिटी को ओवरऑल डोमिनेट कर रही होती है डोमिनेट करने का मतलब ये है कि इट इज़ इस्टैब्लिश द कम्युनिटी फ़ीचर्स ये कम्युनिटी फीचर्स को इस्टेब्लिश कर इट इज़ इस्टैब्लिशिंग द कम्युनिटी फ़ीचर्स जो कम्युनिटी फीचर्स हैं कम्युनिटी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको क्या कर रही होती है डिटर्मिन कर रही होती है कम्युनिटी करैक्टरस्टिक्स मीस कौन सी पॉपुलेशन स्टे करेगी कौन सी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी ये सारी सारी जो होती है वो क्या करेगी डोमेंट स्पिश जो इसको या वो डिटरमाइन करेगी एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है इफ़ देर सम स्ट्रीम रनिंग स्ट्रीम है वाटर वाटर स्ट्रीम है वाटर स्ट्रीम के अंदर देर द रेनबो ट्राउट्स मौजूद हैं आप रेनबो ट्राउट्स क्योंकि ये बेसिकली कार्निवोर्स हैं सो दे विल डिटरमिन वट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विल लिव देयर एंड वट विल बी देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन के इन्वर्टिब्रेड्स की कौन कौन सी पॉपुलेशन वहां रहेंगी और उनका साइज क्या होगा क्योंकि उन्हें इन्वर्टिड के ऊपर फीड करना लिहाजा उनकी पॉपुलेशन को यह बाकायदा कंट्रोल करें तो रेनबोट्राउट बेसिकली इट इज द डोमिनट स्पीशीज है द सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट टर्म द की स्टोन स्पीशीज की स्टोन की स्टोन स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर हैविंग वेरी क्रूशल रोल इन द कम्युनिटी इफ द की स्टोन स्पीशीज इज़ रिमूव फ्राम द कम्युनिटी मैनी ऑफ द पॉपुलेशन दे विल डाई तो इन सिम्पल वर्ड्स में की स्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारी दूसरी स्पीशीज रिलाय कर रही होती हैं सो so अगर हम की स्टोन स्पीशीज को वहाँ से निकाल दें तो जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो डिसमेंटल कर जाएगा तो इसके सिंपल एग्जाम्पल में अगर हम देखें अगर वाटर बॉडी के अंदर एल जी जो है अगर एल जी मौजूद हैं तो एल जी के ऊपर बहुत सारी जो है वो इन्वर्टिव बेड्स फीड करेंगे उन इन्वर्टिव बेड्स को आगे फिर जो लार्ज एनिमल्स जो है फीड करेंगे अगर हम एल को रिमूव करेंगे तो इनवर्टिड सर्वाइव नहीं करेंगे इनवर्टिड अगर सर्वाइव नहीं करेंगे तो लार्ज लार्जवर्टिड सर्वाइव नहीं कर सकेंगे इट मीन द एल जी दैट इज द की स्टोन स्पीशीज तो आमतौर तो पर की स्टोन स्पीशीज के ऊपर बहुत सारी स्पीशीज जो क्या कर रही होती हैं रिलाई कर रही होती हैं सो इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी की तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को हम दो तरह से जो हो ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं या एक वे में ऑर्गनाइज कर सकते हैं इसमें द फर्स्ट वन इज़ द टेम्पोरल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज द स्पेशल स्ट्रक्चर द टेम्पोरल स्ट्रक्चर क्या होता है टेम्पोरल मीन के हम जो एक कम्यूनिटी स्ट्रक्चर है उसको किसी खास जो है वो कह सकते हैं कि एक्टिविटी के बाद एक खास टाइम के बाद क्या करें स्टडी करते हैं तो इन खास टाइम लिमिट के हिसाब से जब स्टडी करते हैं तो हम इसको कहते हैं ये क्या इसका ये टेम्पोरल स्ट्रक्चर होगा टेम्पोरल स्ट्रक्चर्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और टेम्पोरल स्ट्रक्चर में देखें इधर जितने भी एनिमल्स जो ऑर्गेन्स में रहते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इट मीन्स एक्टिविटीज़ के लिहाज से भी उनकी पार्टिसिपेशन कम्युनिटी के अंदर जो है वो क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी सो द साइकिल एक्टिविटीज़ दे आर एक्चुअली डिटर्मिन दे आर करैक्टराइजिंग द कम्युनिटी अब साइक्लिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं दे मे बी सीजनल एक्टिविटीज़ जैसे सीजनल एक्टिविटी है एक एनिमल जो अगर हम अफ्रीकन में देखें तो बहुत सारे एक खास टाइम के अंदर बहुत सारे एनिमल माइग्रेट करके खास ग्रास लैंड के अंदर आ जाते हैं अब उस टाइम के ऊपर वहाँ कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है अब जैसे रेनी सीजन या ग्रास का सीज़न ख़त्म होगा वो माइग्रेट करके निकल जाते हैं अब सेकेंड टाइम आ गया अब कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्योंकि एक्टिविटी एनिमल की क्या होगी है चेंज होगी इस तरह से डे एंड नाइट एट डे टाइम कम्युनिटी स्ट्रक्चर डिफरेंट है एट नाइट कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या होगा डिफरेंट होगा क्यों डे टाइम के ऊपर डायरेनल एनिमल्स होंगे कम्युनिटी का हिस्सा एंड नॉक्टरनल रात के वक्त जो हमारे पास क्या होंगे नॉक्टरनल एनिमल्स होंगे तो इससे हमारे पास ओवरऑल जो है वो विद डिफरेंट टाइम स्पेन डिफरेंट जो है वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं तो जब डिफरेंट टाइम स्पेन के लिहाज से हम कम्युनिटी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे विवर्स इट इज़ द टेम्पोर स्ट्रक्चर है स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशल कहते हैं स्पेस को कहा जाता है लेवल्स को कहते तो अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम के ऊपर डिफरेंट तो जो है लेवल्स के ऊपर कम्युनिटी को स्टडी करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी अब स्पेशल स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ट्रीज हैं तो अब ट्री के डिफरेंट अब नीचे जो बॉटम के ऊपर ग्रासेस है वहाँ डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हैं ट्रीज़ के दरम्यान में डिफरेंट पॉपुलेशन उसके टॉप के ऊपर डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हैं इस तरह तो से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर हर लेवल के ऊपर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो जब हम विध रेफरेंस टू स्पेस जो है वो कम्युनिटी को स्ट्रक्चर कम्युनिटी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे वही से इट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी है तो द लास्ट टर्म इज द कम्युनिटी डाइवर्सिटी वट इज मीन ब डवर्सिटी का मतलब क्या होता है रिचनेस कितनी जो है वो वराइटी मौजूद है तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी मीन वराइटी ऑफ आर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी इफ मोर नंबर ऑफ स्पीशीज आर देयर वी से द कम्युनिटी इज़ मोर डाइवर्स अगर किसी कम्युनिटी के अंदर ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं तो हम क्या कहते हैं कि ज्यादा डाइवर्स है ज्यादा कम्पलेक्स कम्युनिटी है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कम है तो वी विल से लेस डाइवर्सिशीज तो आमतौर पर जो ज्यादा स्टेबल कम्युनिटीज होती हैं दे आर मोर डाइवर्स